जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुरेश मैथ एकेडमी में। आज एक बार फिर आपके लिए लाए हैं वर्क एंड टाइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम में जो भी समस्या होती है वो समस्या का समाधान हम करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। आप जिस भी परीक्षा में बैठते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपको विश्वास के साथ लास्ट तक देखना है वीडियो को। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बहुत वर्क एंड टाइम की 2-3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, फिर आगे का आज का पार्ट देखिए। देखिए लिखा है, इसमें लिखा है ए और बी, ए बी और सी तीन हैं। ये अकेले अलग अलग काम करते हैं। ए काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी है वो 15 दिन में कर लेते हैं। अगर ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है उसमें दो व्यक्ति थे, वो अलग अलग काम करते थे और फिर एक साथ उनका काम कुल निकालना पड़ता था। कभी वो दोनों एक साथ करते थे, उनमें से किसी एक का निकालना पड़ता था। तो हमने इससे रिलेटेड सारी वीडियो हमने बनाई है। आज हम दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं उस पर चर्चा करेंगे और पूरा बहुत बढ़िया करके क्वेश्चन सिखाएंगे और शानदार ट्रिक से साथ। देखिए इसमें लिखा है ए है वो 10 दिन में काम कर लेता है, बी है वो 12 दिन में कर लेता है, सी है 15 दिन में कर लेता है। आपको पता है ये तीनों लोगों के काम हैं। अब इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा ये तो हमें पता करना है। पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। 60 से फिर क्या करते हैं, इन्हें भाग कर देते हैं, इनकी क्षमताएँ निकाल लेते हैं। जब भाग करेंगे तो क्षमताएँ निकालेंगी। ए की क्षमता हमारे पास आ जाएगी 10×60 यानी 6 आ गई। बी की क्षमता क्या हो गई, 12×5=60 यानी 5 आ गई। और सी की क्षमता कितनी हो गई, 15×60 यानी 15। फिर अब हमें पता चल गया ए की क्षमता कितनी है, 6 है। बी की क्षमता कितनी है, 5 है। और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। आई होप आपको ये पता चल गया इन्होंने मिलकर काम कितना किया है, वो 60 किया है। और उनकी क्षमताएं कितनी है, ये है। और वो कितने दिन में मिलकर ये तीनों काम करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या कर लेते हैं, उनका कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम हमारे पास कितना है, 60 है। और हमें भाग करना है, टोटल तीनों मिलकर काम करते हैं। देखिए ये 6 दिन और 6×4=10 और 10×5=15 यानी तीनों की क्षमताएँ कितनी है, 15। हमने कहा है उनका जो भी काम है यानी उन्होंने टोटल काम किया है वो 60 है। और उनकी क्षमता कितनी है, वो है। और वो हमें पता चला है कितने दिन में पूरा करता है, 15×60 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 आएगा। और वो ऑप्शन मिलेगा किसमें, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको तीसरा आंसर सही होगा, इस चीज़ का मिल गया होगा। देखिए आंसर तो बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है, बस करने का मेथड अच्छा होना चाहिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस जुनून के साथ पढ़ते रहना है और मेहनत के साथ आगे चलते रहना है। देखिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आपको समझा देते हैं। ए है किसी काम को 10 दिन में करता है अकेला, बी है अकेले 12 दिन में करता है, सी अकेले 15 दिन में करता है। फिर हमने क्या किया, ये तीनों जो काम किया है इनका तीनों की एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकाला, वो है 60। फिर क्या करते हैं हम, 60 जो एलसीएम है उसको से उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकाल लेते हैं। हमने ए की क्षमता निकाली कितनी, 60 से भाग करेंगे 6 को, 10 को, तो हमारे पास 6 आएगा। 12 को भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे 60 को, तो फिर आपका आएगा 5 और यहाँ से आएगा 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इतने के बाद आपका जो एलसीएम है वो ऊपर लिख देते हैं, जितनी क्षमता है, अगर तीनों की क्षमताएँ पूछें तीनों को जोड़कर और भाग कर देते हैं। देखिए आपका आंसर आ गया होगा 4। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर और एक करा देते हैं और जहाँ भी आपको मिले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, समझ लीजिए। ए है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी है बी किसी काम को उसी काम को 24 दिन में करता है, और जो सी व्यक्ति है वो किसी उसी काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। अब देखिए ए है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी है वो 24 दिन में, सी है वो 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार अगर वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन, पढ़ना और फिर उन्हें सोल्व करना आसान हो जाएगा इस टाइप से अगर क्वेश्चन करते हैं। आपका कीमती समय बचेगा मेरे दोस्तों, यकीन कीजिए। जुनून के साथ बस डटे रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। देखिए इसमें क्या है,
कुछ नहीं करना है, वही मेथड अपनाना है। क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया। देखिए 12, 24 और 36, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 आना चाहिए। कितना आता है, 72, 12 × 5 = 60, 5 × 6 = 72। अब तीनों की हम क्षमताएँ निकाल लेंगे, 5 × 6 = 72 हो जाएगा, 24 + 3 आ जाएगा, फिर 6 × 12 आ जाएगा, यानी 36 × 72 आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 72 एलसीएम आ गया और इनकी क्षमताएं हमारे पास आ गई। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता कितनी है, 2 है। आई होप आपको इनकी क्षमताएं निकालना सीख गए होंगे। इनका आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से हम सिखा रहे हैं, इनकी आपको क्षमताएँ निकालना सीख गए होंगे। क्षमताएँ अगर आप निकाल सकते हैं तो आप काम भी निकालना आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अंदाज के साथ बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सिखाएंगे। देखिए हमने कहा जो एलसीएम है वो हमने लिया है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अगर ये तीनों का हम योग कर लें भाई मेरे, योग कर लें क्षमताओं का योग, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए तीनों का एलसीएम वो है वो 72 है, और हमने क्या करना है, तीनों की कुल क्षमताएँ निकाली है, तीनों कितने दिन में काम करेंगे, ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा है। तो देखिए 72 हमने ऊपर लिख दिया, यानी जो एलसीएम है वो हमने ऊपर लिख दिया, और हमने क्या किया, इनकी जो क्षमताएं हैं उनका योग कर लो, 6 × 3 = 9, 10 = 11, 11 आ जाएगा, 11 से भाग कर दोगे, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, फिर बचे कितने, 6 बचे, फिर आ जाएगा 6 × 11। अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई मिल रहा होगा, 6 × 6 = 11, इस क्वेश्चन का आंसर आई होप तीसरा मिल रहा है, जो तीसरा ऑप्शन सही है आपको यही टिक कर देना है और आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए जुनून के साथ डटे रहिए, मेहनत और मजदूरी तो सभी करते हैं, बस जो जीने के लिए करता है वो हमेशा करता रहता है, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता है वो हमेशा मेहनत करता है। आगे कुछ और बढ़ाते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, फिर से समझ लीजिए, ए है 12 दिन में करता है, बी है 24 दिन में करता है, सी है 36 दिन में करता है। पहले हमने तीनों का लासा निकाल लिया, यानी एलसीएम निकाल लिया, 72 आया, हमने ए की सहायता से यहाँ इसे भाग दे दिया, तो हमारा इसकी क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई, बी की क्षमता हमने 3 निकाल ली और सी की क्षमता कितनी, 2 निकाल ली। ये कैसे आई, हमने क्या किया, 12 से भाग दिया 72 को, यानी 72 ऊपर रखा और फिर 12 से भाग कर दिया तो आया 6, और फिर 72 ऊपर लिखा 24 नीचे लिखा, फिर आ गया 3। और ऐसे ही जो बच्चे ये डिवाइड करना नहीं सीखे हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो देखिए, हमारे प्ले स्टोर पर वीडियो मिलेगी, एलसीएम से संबंधित अभी वीडियो डालेंगे, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम आपको एलसीएम सिखा देंगे और इतने ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है जो आपको मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों, मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा तो हर जगह है, चाहे अपने आप में आए या दूसरे को देख कर भी आए, आपको समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप से कराते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, अरे रपजा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए है, बी है तथा सी तीनों मिलकर एक काम को कितने करने मिनट में करते हैं, 30 मिनट में कर पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए थोड़ा सा हमारा दिमाग उल्टा घुमा दिया है, अब तीनों ने मिलकर काम किया है भाई, ए ने, बी ने और सी ने तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है। देखिए ए व्यक्ति प्लस बी व्यक्ति प्लस सी व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं भाई, कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में, 30 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है ए और बी ये दो मिलकर करते हैं, वो कितने दिन में करते हैं, 50 मिनट में, मिनट है भाई दिन नहीं है, ए बी और सी तीनों मिलकर 30 मिनट में करते हैं, और बी ए और बी कितने मिनट में करते हैं, 50 मिनट में करते हैं। पूछा है सी अकेला कितने मिनट में करेगा, हमारे क्वेश्चन में है सी के बारे में, हमें सी के बारे में बताना है, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फिर से हम समझा देते हैं, हमने तीनों का काम लिख लिया, फिर इनका इसका ले लिया, इन्होंने 30 मिनट किया है, इन्होंने क्या किया 50 मिनट दो लोगों ने किया है। अब देखो हम इन्हीं से हेल्प से क्या निकालते हैं, इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं, क्षमताएं निकालोगे 5 × 15 यानी 150 आ जाएगा इनका एलसीएम, हमने निकाल दिया, आपको बताया था एलसीएम, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, बस आपको बस मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। देखिए अब भाग कर लेते हैं इसे, इसे भाग करते हैं,
देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तीन पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, पाँच तिया 15 हो जाएगा, यानी इसकी एलसीएम क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और ए और बी और सी तीनों की क्षमताएं हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास ए और बी तीनों की क्षमताएं कितनी है, 5 है, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तीन व्यक्तियों की क्षमता है 5 और ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। देखिए यहीं से हम सी की क्षमता निकालेंगे, पहले हम सी की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए सी की क्षमता कैसे निकालते हैं, सी की क्षमता हम पहली बार ऐसे ही लिख देते हैं, फिर समझाएंगे आपको कैसे करना है। देखिए सी की यानी तीनों की क्षमता कितनी है, 5 है, और दो की क्षमता कितनी है, 3 है, और घटा दोगे तो कितनी आ गई, सी की क्षमता। अब सी की क्षमता आ गई है तो हम सी का काम निकाल लेते हैं। सी का काम देखिए यानी तीनों का पहले हमने कहा है एलसीएम ऊपर लिख दो और जिसकी क्षमता पहुँची है उसी से भाग कर दो, दो से भाग कर देते हैं। अब दो से भाग करोगे तो ये 75 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 75 मिनट। ये तीनों मिल यानी सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, कितने मिनट में करेगा, 75 मिनट में करेगा। जो ऑप्शन दूसरा मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यूजफुल हो रही होगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना मेरे दोस्तों, भविष्य में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चैनल को यूं मत गंवाने देना क्योंकि आपके स्क्रीन पर वीडियो बहुत ही कम सेकेंड के लिए हम आती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं हायर वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को देखिए क्या आप तक कहाँ कैसा क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, चलो इसे पहले रेज कर देते हैं फिर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। लगा दीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए ए है एक काम को दो दिन में, वी है ए एक कार्य को दो दिन में तथा बी तीन दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर एक दिन में पूरा किया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए काम को अकेले कितने दिन में करता है, दो दिन में करता है, ए अकेले कितने में, दो दिन में करता है, वी अकेले कितने दिन में करता है, वी है तीन दिन में करता है। अब देखिए ए ने और बी ने दोनों ने सहायता मांग ली सी से और तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया, सी एक दिन में कर लिया, क्या किया, एक दिन में काम कर लिया। अब भाई दो तीन लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी कर जाएंगे। देखो ए अकेले करता है वो दो दिन में करता है और बी है वो तीन दिन में करता है और सी की सहायता से वो तीनों मिलकर क्या कर लेते हैं, एक दिन में काम कर लेते हैं। अब देखिए ये तीनों काम करते हैं तो हमारे पास हम तीनों का एलसीएम निकाल लें और हमसे पूछा क्या है, ये भी हम जानकारी ले लें। देखिए हमसे पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी हमसे फिर से सी के बारे में पूछ लिया है। तो देखिए हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 3 × 2 = 6, इनका लासा कितना आ जाएगा, 6। अब इनका लासा तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम बहुत से बच्चे होते हैं एलसीएम निकालना नहीं सीखा है तो निकालना सीख लें। देखिए 2 से भाग देंगे 2 × 3 = 6, 3 से भाग देंगे 3 × 2 = 6, 1 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। यानी तीनों का जो तीनों की क्षमताएं हैं ए और बी सी, इन तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है, ए की क्षमता हमारे पास कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो हम सी की क्षमता निकाल लेते हैं। सी की क्षमता निकाल लो भाई, देखो 6 माइनस करोगे 3 और 2 = 5 हो गई, 5 घटा दो तो कितना आया, 1, और सी की क्षमता 1 आ गया तो हम सी का काम निकाल लेते हैं, 6 से 1 से भाग दे देंगे, 6 से ही 1, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 6 ऑप्शन आएगा, 6 दिन में सी अकेला काम कर लेगा, यानी सी ने भाई ज़्यादा दिन लगाए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही है, क्या होगा, ऑप्शन तीसरा सही है। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से देखना है और अधिक से अधिक शेयर करना है मेरे दोस्तों, पसीना आता है, वीडियो बना रहे हैं और वीडियो डाल भी रहे हैं आपके लिए, बस आप बस मेहनत कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, बस हमारा तो यही प्रयास है और कुछ नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आपको बस जुनून के साथ देखना है। देखिए ए और बी एक काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, और
ए और सी 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा देखकर और उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। पहले देखो ए और बी ने, दो लोगों ने मिलकर काम किया है, फिर बी और सी ने मिलकर काम किया है, फिर सी और ए ने मिलकर काम किया है, यानी दो दो लोगों ने मिलकर काम किया इकट्ठे इकट्ठे होकर। देखिए ए और बी कितने दिन में, 72 दिन काम किया है, और फिर इन्होंने फिर कितना दिन किया है, 120 दिन किया है, और ए और सी ने कितने दिन किया है, 90 दिन किया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इन्होंने कितना काम किया। ए बी ने 72 दिन में काम किया है, बी और सी ने 120 दिन में काम किया है, सी और ए ने कितना किया है, 90 दिन में काम किया है। अब फिर आपको क्या करना है, पहले पुराना मेथड एलसीएम ले लीजिए तीनों का और हल कीजिए। देखो हम करते हैं, यहाँ इसका और इसका इन तीनों का एलसीएम आ जाता है 12, 90, 360 आएगा। फिर एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, इनकी क्षमताएं तीनों को निकाल लेते हैं। ए की और ए और प्लस बी की दोनों की क्षमताएं आएंगी, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो 12, 5, 60 यानी करीब 5 के आएगा। कितना आएगा, 5, 12, 2, 24, 36, 48 यानी 4 के करीब आएगा। 9 9 चौक 36 आएगा और यहाँ आएगा 3। कितना आएगा, 3। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एलसीएम देखो डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 12 से काटेंगे, 12, 24, 36 3 आ गया, 9 से भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तीनों की क्षमताएं आ गई, लेकिन आई कितने कितने की, दो दो लोगों की मिलकर आई। ए और बी ने देखो कितनी बार काम किया है, ए और बी ने 2 बार काम किया है, बी और सी ने 2 बार काम किया, सी और ए ने भी 2 बार किया है, यानी दोनों की मिलकर क्षमताएं आ रही हैं। अब डबल बार हमने काम किया है तो डबल बार इस तरीके के क्वेश्चन आता है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, इजी समझकर इसे, हार्ड समझकर इससे क्या करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट पे कर देते हैं और इस क्वेश्चन को स्केप कर देते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपका कीमती समय नहीं लेते हैं बल्कि आपको समझने की ज़रूरत होती है, बस और कुछ नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, फिर हमने क्या किया, ए और बी और सी, ए बी और सी हमने तीनों को मिलकर पूछा है कितने दिन में करेगा। देखिए इन तीनों की क्षमताएं अगर हमारे पास कितनी है, ए 2 बार है तो 2 बार होगा ए, बी 2 बार है तो बी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा, यानी दो डबल डबल चल रहा है। तो इधर भी ये क्षमताएं क्या है, इनका एलसीएम 360 है, क्षमता जोड़ लो 5, 3, 8, 8, 5, 8, 4, 12 हो गए, और ए भी डबल ही होगा। जब इधर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल होना चाहिए। 12 से कैंसिल करते हैं, 12 एकम 12, 12 3 36, 30 आ गया, गुणा 2 करेंगे, 3 2 6 यानी इस क्वेश्चन आंसर आ गया 60। ये तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में क्वेश्चन करेंगे। और जो ऑप्शन तीसरा सही है, इसका आंसर क्या है, तीसरा सही है, जो तीसरा मिल रहा है विकल्प वो सही है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। वीडियो देखिए बनाते हैं आपके लिए ही, आपको बस लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो लंबी हो रही है, इसी टाइप से अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।